जय स्वामी नारायण। वेलकम टू रेखा क्याडा हॉबीज़। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम इमली की और खजूर की चटनी बनाएंगे। मेरे गांव से इमली आई थी, तब इमली में से उसके बीज निकाल के इस तरह से नमक और इमली के मैंने गोले बना लिए थे। ऐसे गोले बना के आप इमली को एक साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। इस इमली के गोले को एक पतीली में तोड़ के डाल दीजिए। अब इस पतीली में ये इमली डूब जाए उतना पानी डाल दीजिए। यहाँ मैंने चार इमली के गोले लिए थे, उसके सामने आप एक बड़ी कटोरी गुड़ ले लीजिए। इस गुड़ को पतीली में डाल दीजिए। गैस की फ्लेम को ऑन कीजिए और गुड़ और इमली को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। 15 मिनट तक इस इमली को अच्छी तरह से उबाल लीजिए। बाद में गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। इस इमली को 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिए। 15 मिनट के बाद इस इमली को एक मिक्सी जार में ले लीजिए। अब इस स्टेज पे आप लोग नमक डाल सकते हो, पर मैंने पहले से ही नमक वाले गोले लिए हैं, इसलिए नमक नहीं डाला है। अब इसमें एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल दीजिए, आधी चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए। अब इसको मिक्सी में चला लीजिए। ऐसे स्मूथ और गाढ़ी पेस्ट आपको बनाना है। यहाँ मैंने कश्मीरी मिर्ची का यूज़ किया है, इसलिए पेस्ट एकदम रेड हो गई है। अब इस इमली की पेस्ट को आपको एक छन्नी में निकाल लेना है, पर छन्नी के नीचे एक बर्तन आपको रखना पड़ेगा। देखिए, इस तरह से आपको पेस्ट हिलाना है और नीचे मैंने एक बर्तन रखा है, उस बर्तन में आपकी पेस्ट जमा होगी। इस तरह से छन्नी में छानने से इमली का जो थोड़ा बहुत कचरा होगा वो छन्नी में रह जाएगा। देखिए, हमारे इमली की चटनी रेडी है। उसे सर्व करने के लिए हमने यहाँ एक कांच का बाउल लिया है। ये इमली की चटनी आप पकोड़े, वड़े, समोसे, कचौरी, सैंडविच के साथ खा सकते हो। अब हम दूसरी चटनी खजूर की बनाएंगे। खजूर में से उसकी बीज निकाल देने हैं और लंबी लंबी स्लाइस को काट के एक कटोरी भर लीजिए। एक बाउल के अंदर ये कटोरी डाल दीजिए, फिर उसके अंदर खजूर डूब जाए उतना पानी डाल दीजिए। अब इसमें एक चम्मच नमक डाल दीजिए। इसकी फ्लेम को ऑन कीजिए और खजूर और पानी का जो मिश्रण था उसको गैस के ऊपर रख दीजिए। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। 15 मिनट तक इस खजूर वाले मिश्रण को उबाल लीजिए। 15 मिनट के बाद ये खजूर एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। अब इस मिश्रण को 15 मिनट के लिए ठंडा होने दीजिए। अब हमारा मिश्रण ठंडा हो गया है। एक मिक्सी जार में इस मिश्रण को डाल दीजिए। अब इस मिक्सी जार में एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दीजिए। इसका ढक्कन बंद करके मिक्सी में चला लीजिए।
हमारी खजूर की एकदम फाइन और स्मूथ पेस्ट रेडी हो गई है। इस पेस्ट को एक छन्नी में निकाल लीजिए और नीचे एक पतीली रख दीजिए। अगर कोई कचरा होगा तो वो छन्नी में रह जाएगा। हमारी खजूर की चटनी रेडी हो गई है। इस चटनी को एक कांच के बाउल में निकाल लीजिए। हमारी चटनी सर्व करने के लिए रेडी है। इस चटनी को सैंडविच, पकौड़े, दाबेली, वड़ा पाव के साथ सर्व कर सकते हैं। हमारी दोनों चटनी रेडी हो गई है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना।